हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग के अंदर। सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 10:15 और मैं कर रहा हूँ नाश्ता। यहाँ पर भिंडी की सब्जी बनी है, साथ में परांठे हैं और चाय है। और यहाँ पर ना मेरा चेस का गेम चल रहा था, देखो कहाँ पर फंस गया जाके। आज भी मैं साइकिलिंग पे नहीं गया हूँ कल की तरह, क्योंकि कल तो वैसे ही ज़्यादा बिजी हो गया था शाम के टाइम भी, और सुबह के टाइम गर्मी थी। आज भी सुबह के टाइम वही हाल था। तो जब तक ऐसा मौसम रहने वाला है ना, अजीब सा, बहुत भयंकर सा, तब तक कोई मतलब नहीं बनता साइकिलिंग पे जाने का। तो फिलहाल अभी मैं नाश्ता करता हूँ, साथ में अपना व्लॉग देखता हूँ जो कल एडिट किया था। वैसे तो मैं एडिट करते टाइम 5-6 बार देख ही लेता हूँ, लेकिन स्टिल एक बार और देखने में मज़ा आता है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर अभी सॉफ्टवेयर जो है बिजी है, तो मैंने सोचा ब्रेक ले लूँ थोड़ा काम से। 1 बज रहे हैं अभी और बाहर थोड़ा सा बादल वाल छा रखे हैं, ऊपर मौसम चेकआउट करके आते हैं कैसा हो रखा है। एक ये बादल अच्छा है जो बरस के जा रहा है। भाई तेज़ हो गई बारिश थोड़ी सी, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर तक आएगी, क्योंकि छोटा सा ही बादल है ऊपर। एक और बादल आ जाए तो बात अलग है। आई एम यूजिंग दिस अम्ब्रेला, मुझे बारिश भी तो शूट करनी है। मैं शूट करने निकला जैसी बार इतने में रुक गई बारिश। मैंने कहा था ना एक ही बात ला, ज़्यादा देर तक करेगा भी नहीं बारिश। हो रोटियाँ बन रही है फिलहाल। सुबह 2:15 हो रहे हैं, जस्ट अभी काम कंप्लीट किया मैंने, पापा भी आ गए हैं स्कूल से, और बारिश तो बिल्कुल 2-4 बूंदी हुई उसके बाद ख़त्म। तो गाइस इस वक्त 8 बज रहे हैं, मैं वीडियो एडिट कर रहा था और अभी अभी जस्ट एक न्यूज़ आई है कि बाबा अमरनाथ की गुफा के पास में ना बादल फट गया है। और पिछले 2 दिनों के अंदर पहाड़ों में इतने ज़्यादा बादल फटने की न्यूज़ आ रही है। पहले कुल्लू के पास फटा, बिलासपुर में फटा, आज एक बाबा अमरनाथ की गुफा के पास में फटा। और पता नहीं अब नुकसान कितना हुआ है, बस भगवान से यही आशा करता हूँ कि ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो जान मान का किसी, और जो यात्री गए हों सुरक्षित वापस लौट आए वहाँ से। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है वहाँ का। और वही सीन मैं आपको उस दिन परसों भी बता रहा था कि भाई मानसून के टाइम में ना ट्रैवल करने से जितना बच सकते हो उतना बचो, बहुत ज़रूरी। अगर आपको हो रहा है ट्रैवल करना तभी जाओ, नहीं तो भाई एक तो आपको लंबा जाम देखने को मिल सकता है, लैंडस्लाइड्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं पहाड़ी इलाकों के ऊपर, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इस बार पहले मैं भी कोशिश कर रहा था जाने की मानसून के टाइम पर ही, थोड़ा कवर करने की मानसून को, बट फिर मैंने पता नहीं क्यों किस रीज़न से रुक गया मैं। बाकी फ़िलहाल अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है, तो आज मैंने सोचा है कि आज थोड़ा नाइट टेस्टिंग करके देखी जाए कैमरे के साथ में किस तरह से परफॉर्मेंस देगा। तो देखते हैं बाहर कितनी स्ट्रीट लाइट चल रही है, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। होप कि कल से बेटर जो एंगल है वो रहे, क्योंकि मैंने इसको अभी एक नए मोड भी डाला है जिसको टिल्ट लॉक मोड बोलते हैं, जिसमें जो है कैमरा ऊपर या नीचे टिल्ट नहीं करेगा, मेरे को एकदम ये स्टेबल रखेगा सामने की तरफ। देखते हैं कैसा आता है।
तो अभी रात के 9 बज रहे हैं और साइकिलिंग करके आया था। आप बताना कि अब जो साइकिलिंग करके आया हूँ मैं, ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी है? ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से व्यू आया होगा क्योंकि ना इसमें मैंने एक नया मोड सीखा है जिसमें जो टिल्ट होता है ना, टिल्ट ऐसे होता है ऊपर नीचे होता है कैमरा, वो लॉक हो जाता है क्योंकि जब मैं लगाता हूँ चेस्ट माउंट के ऊपर तो कैमरा जो है हल्का सा आगे की तरफ झुकता है, तो आगे की झुकने की वजह से कैमरा ऑटो फॉलो करके नीचे की तरफ आता है। सो जब वो टिल्ट लॉक हो जाता है तो कैमरा नीचे नहीं आता, सिर्फ साइडवेज मूव करता है। सो दैट्स व्हाई मैंने उसको सेंटर में रखा, तो चाहे मेरा जो पूरा का पूरा जो हैंडल है नीचे से वो नीचे आ रहा हो, लेकिन जो ऊपर छोटा कैमरा लगा हुआ वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो उस वजह से जो एकदम स्ट्रेट वीडियो आई है अभी, बस वही है, धीरे धीरे सीख रहे हैं काम को। फिलहाल अभी डिनर करते हैं। क्या बोले? माँ छोलियां दी दाल। तो माँ छोलियां दी दाल बनी है, 10 बजने वाले है, आप करते हैं डिनर आज का। कल आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी इसी तरह के व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। मेरा नाम है निशिकांत भाटिया, मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। Sa 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 s